सकते। तो इस वीडियो को जो कवर करने का मेरा रीज़न है ये कि मैं आपको कम से कम एफर्ट में आपका बेली फैट या साइड फैट या फिर अपना जो लव हैंडल उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकें। तो इसमें मैं आपको बेसिक सी 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा जो सीधा टारगेट करेंगे हमारे लव हैंडल्स पे और हमारा फैट को बर्न करेंगे। हेलो यूट्यूब, तो कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल आइकन है आप इसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज इसी से आपको पता लगेगा कि कब मैंने अपनी नई वीडियो अपलोड कर दी और उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी और आप मेरे चैनल से अपडेट रहेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लव हैंडल्स का। लव हैंडल्स होते क्या है गाइस? जो फैट हमारे बेली फैट के साइड में होता है, इस पार्ट में होता है, जब यहाँ फैट हो जाता है, चर्बी हो जाती है, उसे कहते हैं लव हैंडल्स। और ये शिकायत किन में होती है? ये शिकायत होती है बेसिकली जो फैटी लोग होते हैं उनका फैट यहीं से ज़्यादा चढ़ता है, यानी फैट लेवल यहीं ज़्यादा होता है, और होता है गर्ल्स में या लेडीज़ में, जो ये बेसिकली इन्हीं बंदों में पाया जाता है। और ये किन इनका कारण क्या है? इनका कारण होता है हमारा फूड और हमारी लाइफस्टाइल। हमारे फूड में जब हम ऑयली खाते हैं या फिर कुछ ऐसे जंक फूड खाते हैं या फिर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है जिसमें हमें ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पाते और हमारा जो ऐसा काम नहीं होता जिसमें हमारी फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा हो पाए, तो इससे हमारे यहाँ फैट जम जाता है और हमारा वाटर लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। तो आज मेरा जो वीडियो कवर करने का जो टॉपिक है वो यही है कि हम अपना लव हैंडल कैसे लूज़ कर सकते हैं, यानी हमारा यहाँ का फैट कैसे बर्न कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो देखे हैं रिसेंटली यूट्यूब पे, मैंने ऐसे वीडियो भी देखे हैं जो बंदे एक्सरसाइज बता रहे हैं लेकिन उनका इस फैट से लव हैंडल से कोई रिलेशन नहीं है या कोई रिलेटेड नहीं है, या फिर वो आपको ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जो आप कभी कर नहीं सकते, यानी जिन बंदों को इस ये फैट एक्स्ट्रा होगा उन बंदों के लिए वो एक्सरसाइज करना इम्पॉसिबल है। वो बंदे आपको ऐसी एक्सरसाइज करके बता रहे हैं जिनके पहले से यहाँ फैट लेवल नहीं है, यानी वो परफेक्ट वो एक्सट्रीम लेवल के बंदे हैं, वो आपको ऐसी एक्सरसाइज करके बता रहे हैं जो आप कभी कर नहीं सकते। तो इस वीडियो को जो कवर करने का मेरा रीज़न है ये कि मैं आपको कम से कम एफर्ट में आपका बेली फैट या साइड फैट या फिर अपना जो लव हैंडल उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकें। तो इसमें मैं आपको बेसिक सी 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊँगा जो सीधा टारगेट करेंगे हमारे लव हैंडल्स पे और हमारा फैट को बर्न करेंगे। तो आज मैं जो एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, जो एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ वो बेसिक सी है, आप नॉर्मल घर पे भी या जिम में भी कहीं भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं और आपको उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से, करते हैं अपना एक्सरसाइज। तो भाई, हमारी जो पहली एक्सरसाइज में हम परफॉर्म करेंगे ट्विस्ट। ये ऐसे एक्सरसाइज एक बेसिक सी एक्सरसाइज है जो हर जिम में अवेलेबल होती है, इसमें हमें कोई हैवी मशीन्स की या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती। ये बेसिक सी एक्सरसाइज है, बेसिक सी मशीन है जो हमारे हर जिम में अवेलेबल होती है। लेकिन इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त क्या हमें ध्यान रखना है? बेसिकली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त जो हमारे जो भी बंदे होते हैं वो ऐसे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, यानी उनकी कोई पोजिशन नहीं होती, जबकि इसको पोजिशन का हमें ध्यान रखना होता है बिकॉज इसी से पोजिशन के अकॉर्डिंग हमारा फैट बर्न होगा। तो इसके लिए पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए? इसके लिए हमारे हैंड्स होने चाहिए स्ट्रेट टाइट और पूरा जो लोअर पार्ट है यानी जो लोअर बॉडी हमारी वो मूव होनी चाहिए, हमारी बॉडी होनी चाहिए ऐसे मूव। आप बंदे इसको करते कैसे? इसको करते कंफर्ट के, ऐसे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। जब तक यहाँ हमारे जो साइड फैट है यानी जो हमारे लव हैंडल्स है जब तक इन पे जोर नहीं होगा, यानी इन पे जब मसल्स एक्टिव नहीं होंगी, फैट हमारा बर्न नहीं होगा, तो हमें यहाँ के फैट को बर्न करने के लिए सारा एफर्ट हमारा यहाँ लगना चाहिए, ना कि हमारी बॉडी को कंफर्ट मिलना चाहिए। जब तक हमारी बॉडी इस लेवल तक नहीं जाएगी कि हमारा फैट लेवल बर्न हो, तब तक हमारे लव हैंडल्स का वेट फैट यूज नहीं होगा। तो हमें अपनी एक्सरसाइज को तरीके से और स्ट्रिक्टली परफॉर्म करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। तो
तो गाइस दूसरी एक्सरसाइज में हम परफॉर्म करेंगे, उसके लिए चाहिए हमें दो वेट, आइडल से वेट चाहिए जो आप कंफर्टेबली उठा सके, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो, कभी आप वेट के अकॉर्डिंग आप वेट अपनी एक्सरसाइज ठीक से ना लगा सके तो आपको अपने आइडल वेट लेने हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें ऐसे दो वेट और हमारे जो पैरों की मूवमेंट पोजिशन है वो होनी चाहिए हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग, ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज, और हमारी जो मूवमेंट होगी बॉडी की मूवमेंट होगी वो होगी ये, इसमें हमारी लोअर बॉडी जो होगी वो स्ट्रेट होगी, जो अपर बॉडी होगी वो मूव करेगी इस टाइप से। आप बेसिकली इसमें जो बंदे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं पूरी बॉडी ऐसे झुका देते हैं, अपने पैरों को भी मूव कर लेते हैं और अपने घुटनों को भी फोल्ड कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त हमारे पैर जो हैं यानी जो घुटने हैं वो बिल्कुल लो होने चाहिए, जो लोअर बॉडी है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट, जो भी मूवमेंट होगी वो हमारी अपर बॉडी की मूवमेंट होगी। तो इसमें हमारी जो मूवमेंट होगी वो ऐसे होगी, पूरा जो स्ट्रेच है वो हमारी लव हैंडल्स यानी साइड फैट पे हो, इसी टाइप से अदर साइड, जब ये आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपको खुद को अपने आप को फील हो जाएगा कि हमारे यहाँ फैट बर्न हो रहा है, यानी हमारे यहाँ पे फैट बर्न होने की हमें अपना पता लग जाएगा कि हमारे फैट बर्न हो रहा है। अगर आपको अपने यहाँ पे फील नहीं हो कि फैट बर्न हो रहा है तो इसका मतलब आप अपने एक्सरसाइज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, या तो आपकी पोजीशन ठीक नहीं है या आपकी मूवमेंट ठीक नहीं है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें कि हम कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से कर रहे हैं, आपको वो एक्सरसाइज उसी तरीके से करनी है ताकि आपको इसके रिजल्ट मिल सके। हमें कोई भी एक्सरसाइज दिखाने के लिए या अपने तरीके से नहीं करनी, हमें एक्सरसाइज करनी है अपने जो रेगुलर तरीका है, यानी जिस चीज़ के लिए हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ को हमें उसी तरीके से परफॉर्म करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर दो, अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर तीन। तो गाइस लव हैंडल यानी साइड फैट को रिड्यूस करने के लिए जो हम तीसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उसमें हम करेंगे साइड प्लैंक्स। तो इसके लिए जो हमारी पोजीशन है वो होगी कुछ इस टाइप से, जैसा जब हम साइड होल्ड करते हैं या साइड प्लैंक्स लगाते हैं तो हमारा जो सारा फोकस है या जो भी बॉडी की जो भी स्ट्रेस है वो हमारे लव हैंडल्स पे पड़ता है, यानी साइड फैट बर्न करता है। इसी टाइप से हमें दूसरी साइड को भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। आप इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड या 45 सेकंड या एक मिनट तक आप परफॉर्म कर सकते हैं, बोथ साइड या सिंगल साइड, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी साइड भी ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं और आपकी जो टाइमिंग है आप उसको हर सेट में बढ़ा भी सकते हैं, जितना आप एक्सरसाइज के टाइमिंग बढ़ाएंगे उतने आपके रिजल्ट और अच्छे होंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में हम परफॉर्म करेंगे रशियन ट्विस्ट। इसके लिए जो हमारी बॉडी की जो लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी बॉडी लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए ऐसे, यानी हमारे पैर थोड़े से फोल्ड होने चाहिए, लेग्स को फोल्ड होना चाहिए। आप लेग्स को फोल्ड करके किसी भी वेट का या किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, जिससे हमारे एक्सरसाइज को फोल्ड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके लिए हमारी जो मूवमेंट होगी बॉडी मूवमेंट होगी, उसके लिए हमारा बैलेंस होगा पीछे, बॉडी मूवमेंट होगी ऐसे। इस टाइप से हमें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आप पहला जो रैप है या जो पहला सेट है आप वो ब्लैंक लगाएं, यानी कोई भी वेट यूज़ ना करें, उसके बाद आप वेट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लाइट वेट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बॉल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हमारी पोजिशन होगी ये, और तो गाइस ये थी हमारी चौथी एक्सरसाइज फॉर लव हैंडल्स। तो गाइज ये थी हमारी बेस्ट ऑफ बेस्ट 4 एक्सरसाइज, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज का ध्यान भी रखा है जो एक्सरसाइज आप ठीक से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसमें हमने कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं रखी जो आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकते या जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो और आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी अदर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके अंदर जरूर दूंगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं,
मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप करके लाइक बटन को ब्लू कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और बंदे भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।